रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी। ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद। वरन पवन सुत कीरति रेगे। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी। गावत वेद पुराण अष्ट दश गावत वेद पुराण सब शास्त्र सब ग्रंथ कोरस। सब शास्त्र सब ग्रंथ कोरस मुनि जन धन संतन को सरवस। सार अंश सम्मत सब वेगी। आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी। संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी। अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काघु भूषण करुण के आरती श्री रामायण कीरत कलित ललित सियपी। कलिमल हरणि विषय रस पीकी। कलिमल हरणि विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मोरिय मीकी। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी। बार परिक्रमा कर ले अपने स्थान पर। हरि ओम ओम ज्ञानकारि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जय श्री राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
भूत भावन बोले नाथ की, श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदा मैया की, धियं सदा परिभवनं दीष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणते पाले भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कपवाति पित्ते धावरो धन विधो स्मरणं कुतस्ते गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् राम हर्षड देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये बुद्धिहीन तन जानके सुमिरो पवन कुमार बले बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक मोहे सब विधियासुरो तेरो श्री रघुराज अंगहि की राखियो लाज गरीब निमार बंधु तुलसी के चरण जिनके नो जग काज कलि समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो शक्ति जहाज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो शक्ति Thank you.
सियाबो सियाबो बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की भूत भावन बोले नाथ की श्री अयोध्या धाम की सरयू महारानी की श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की श्री नर्मदा मैया की जय जय श्री सीताराम। पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का कारण करुणा वर्णालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारम्बार प्रणाम। प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन बारंबार प्रणाम तथा श्री राम कथा में उपस्थित विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा सादर नमन सादर प्रणाम। मां नर्मदा के चरणों में बारंबार प्रणाम। राघव जी की कृपा से आपकी डिंडोरी क्षेत्र में आयोजित प्रभु की यह परम पावनी श्री राम कथा प्रभु की समृतमय श्री राम कथा रूपी गंगा में स्नान करने हेतु डुबकी लगाने हेतु पधारे हुए सभी श्रोता महानुभाव सभी माताएं बहनें आसपास दूर के क्षेत्र ग्राम नगर से आए हुए हमारे सभी श्रोता बंधु आज हमारे बीच में हमारे भैया चांद्रानी से भी आए हैं। आपके यहाँ भी हमने कथा गाई थी कोविड काल के बाद। समक्ष विराजमान सभी माताएं बहनें तथा विराजमान सामने सभी श्रोताजन एवं चैनलों के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमीजन आप सभी लोगों को व्यासपीठ की ओर से मेरा सादर जय सियाराम। आज पक्का बोला है आज बड़ी हम और आप आज प्रभु कृपा से श्री राम कथा के छठवें दिवस के सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पूर्व आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुनी अब राघव जी की कथा का दर्शन हम और आप एक बार पुनः करने जा रहे हैं। पूर्व दिवस की कथा में क्या प्रसंग था पूछ रही हूं। राघव जी का विवाह बहुत आनंद के साथ हमने आपने श्री राम विवाह की कथा का रसास्वादन किया और आज उसी क्रम में हम आगे के प्रसंगों का दर्शन करेंगे। जब गुरुजनों के आदेशानुसार समस्त वैदिक रीतियों से राघव जी का विवाह संपन्न हुआ श्री मथुरा धाम में दशरथ जी बारात लेकर निकले थे अपने एक लाल जी के लिए यानी कि राघवेंद्र सरकार के लिए और मिथिला धाम जा करके चार चार दूल्हा सरकार और चार दुल्हन उपस्थित हुई। दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी से कहा सुमंत जी आज तो मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो गया आज कुछ भी बाकी नहीं है मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ आज यहीं पर प्राप्त कर लिए। एक गुना आनंद लेने आया था पर विधाता ने चार गुना आनंद मेरी झोली में भर दिया है। अति आनंद के साथ विवाह की रीतियां तो संपन्न हुई विवाह की रीतियों के उपरांत सरकार को कलेऊ कराया जाता है यानी कि जीवनार आपके यहाँ होता है
सुबह सुबह जब विदाई के पहले कलेव कर आते हैं, तो हमारे राघव जी का भी कलेव हुआ है, बहुत भव्य तरीके से हुआ है। जनक जी महाराज ने आज दशरथ जी महाराज को, सारे बरातियों को, अपने चारों दूल्हा सरकार को जीवनार हेतु अति आदर के साथ आमंत्रित किया। और जैसे ही हमारे चारों दूल्हा सरकार जाने वाले हैं, गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर ढंग से दूल्हा सरकार की छवि का अवलोकन कराया है कि राम जी आज कितने सुंदर लग रहे हैं। गोस्वामी जी के जरा इन चौपाइयों का भाव आप अपने हृदय में बनाने का प्रयास करें। श्याम शरीर सुभाए सुहावन देखो सिया के पिया, श्याम शरीर सुभाए सुहावन देखो सिया के पिया। अगर चौपाई नहीं जीवा पर बैठ रही है कोई बात नहीं, आप केवल सिया के पिया गाइए। श्याम शरीर सुभाए सुहावन देखो सिया के पिया, श्याम शरीर सुभाए सुहावन देखो सिया के पिया। शोभा कोटि मनोज लजावन देखो सिया के पिया,
धीर सुभाए सुहावन देखो सिया के पिया। और हमारे बीच में हमारे हुरा से भी हमारे आदरणीय भैया लोग आए हैं, बड़े अच्छे समय पर आप आए हैं। अब आप सब बराती बने थे, राम जी खिचड़ी खाने वाले हैं, तो बराती कहाँ बाकी रहेंगे, गाड़ी तो उन्हों को मिलेगी। बराती में आए हैं तो गाड़ी से बाकी थोड़ी ना रहेंगे। तो सबका अभिनंदन है भैया, स्वागत है बहुत। तो हमारे चारों दुल्हा सरकार की छवि के वर्णन में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। अच्छा, आज जब राम जी दूल्हा सरकार की छवि में आए, दूल्हा वेश में आए, सारे देवी देवता दर्शन कर रहे, सारे देवी देवता मिथिला धाम की शोभा के विषय में जब गोस्वामी जी ने दर्शन कराया तो लिखते हैं, आज ब्रह्मा जी ने जब मिथिला की ओर देखा तो ब्रह्मा जी भी बहुत चकते, बोले बाबा से कहने लगे, ये हम कहाँ आए हैं, ये जितनी रचना दिखाई दे रही ये सब तो हमने कभी बनाया ही नहीं। अब ब्रह्मा जी परेशान कि हमारी रचना से परे चीजें कहाँ से यहाँ मिथिला में आ गई, इसमें से एक भी चीज मेरी रचित नहीं है। अब ब्रह्मा जी जब चिंतित हुए तो भोले बाबा ने कहा, ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह में बच्चे की कोई रचना दिखाई देने वाली, अब अगर छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा के शादी का एल्बम उठाए और ढूंढे और रोने लगे, इसमें तो हमें ही नहीं, आप कब गए थे शादी करने, तो माता पिता क्या कहेंगे, बेटा ये तब की चित्र है जब तुम नहीं थे। आज ब्रह्मा जी को बाबा समझा रहे हैं, इसमें आपकी करनी कहीं नहीं मिलेगी, ये जगत के माता पिता का विवाह है, बस आनंद लीजिए। अब जब दर्शन करने की बारी आई, हमारे आपके पास तो दो नेत्र हैं, बाबा के पास 15 नेत्र हैं, 55 है हमारे बाबा, एक मुख में 3 नेत्र, तो 15 नेत्रों से बाबा दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, जिनके 6 मुख हैं, 12 नेत्रों से वो दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 मुख हैं, अब वो भी अपने 8 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। 8 ही हुआ ना, हाँ 8 ही हुआ, हमारी गणित कमजोर है, आप हिसाब लगा लेना। अब यहाँ पर इंद्रदेव 1000 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा सबसे घाटे में तो हम ही हैं, सबसे घाटे में खाली 8 आंख है, 8 आंखों से हम देख के भी कितना देखेंगे। बाबा ने कहा, जितना है उसको भी रोने में व्यर्थ ना गवाइए, दर्शन करने में लगाइए, पछताने में मत लगाइए, आनंद से दर्शन करिए। अच्छा, बाबा का 3रा नेत्र खुलता है तो क्या होता है, प्रलय होता है ना। अगर कोई कहते शंकर जी का 3रा नेत्र खुला, मतलब कि कुछ ना कुछ अब ज्वाला बरसेगी, कामदेव को देखा 3रा नेत्र खुला, क्या हुआ, तब शिव 3र नयन उघारा चितवत काम भयो जरी। बाबा का 3रा नेत्र खुलने का मतलब है प्रलय, सामने फिर ज्वाला ही ज्वाला बरसेगी अगर बाबा ने 3रा नेत्र खोला। पर यहाँ तो गोस्वामी जी महाराज कुछ और लिख रहे हैं, शंकर राम रूप अनुरागी नयन पंचदश अति प्रिय लागे। बाबा को आज अपने 15 नेत्र बड़े प्यारे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, कि ये मिले हैं तो कम से कम दर्शन करने का ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका तात्पर्य कि बाबा के 3 नेत्र खुले हैं हर एक मुख के, एक 3रा नेत्र खुलता है तो प्रलय हो जाता है। बाबा ने तो अपने 5 मुख के 3 नेत्र खोल के रखे हैं, फिर कैसे नहीं प्रलय हो रहा है, विचारने की बात है ना, कि 3रा नेत्र भी खुला है फिर भी कोई समस्या नहीं, कोई ज्वाला नहीं, कोई प्रलय नहीं। तो यहाँ समझिएगा, बाबा का 3रा नेत्र खुलता है, कब खुलता है, अगर इस नेत्र के आगे काम आता है तो ये नेत्र ज्वाला बरसाती है, पर जब इन्हीं नेत्रों के आगे राम आते हैं तो यही नेत्र प्रेम का जल बरसाते हैं, फिर ज्वाला नहीं बरसती है। यहाँ पर महत्व बात ये है कि नेत्रों के आगे कौन है, राम है
की काम है। बाबा के नेत्र उस हिसाब से यहाँ पर ज्वाला बरसाते हैं, जब काम था तो ज्वाला बरसी, जब राम आए तो प्रेमाश्रु की वर्षा हुई। सब दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी से किसी ने कहा, अच्छा राम जी आज कितने सुंदर लग रहे, थोड़ा बताओ ना, आप हमेशा बताते हो गोस्वामी जी आज राम जी इतने सुंदर लग रहे, इतने प्यारे लग रहे, आज कैसे लग रहे। गोस्वामी जी ने कहा, जे ही बरे बाजी राम असवारा, ते ही शारद उना बरे ने पार। शोभा किसकी पूछी जा रही है कि थोड़ा बताइए राम जी कैसे दिखाई दे रहे, और गोस्वामी जी किसकी बता रहे हैं, राम जी जिस अश्व पर बैठकर मंडप के पास तक गए हैं उस अश्व की शोभा बताई जा रही है कि घोड़ा कितना सुंदर है, जिस रथ पर जो घोड़ा बंधा है वो अश्व इतना सुंदर है कि स्वयं वाणी की अधिष्ठात्री देवी मैया शारदा नहीं बता सकती कि वो घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। तो गोस्वामी जी से किसी ने कहा, हमने आपसे राम जी की सुंदरता पूछी है, आप हमें अश्व की सुंदरता बता रहे। गोस्वामी जी ने कहा, मैं ये काम आप पे छोड़ रहा हूँ, जब वो अश्व इतना सुंदर है तो अश्व पर बैठने वाला कितना सुंदर होगा खुद हिसाब लगा लेना। वो अश्व इतना सुंदर है स्वयं मैया शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती, तो राम जी की शोभा का वर्णन कर सकूं, इतनी ताकत मेरे कलम में थोड़ी ना है, मैं कैसे वर्णन करूंगा। लेकिन जिसने भी आज जिसके मन में जाकी रही भावना, जिसके मन में जैसी भावना है आज उसको उसका भगवान वैसा ही नजर आ रहा है। जिन नरसिंह भगवान को देखकर देवता कांप गए, देवता तो छोड़ो, लक्ष्मी मैया से कहा, मैया जाके थोड़ा क्रोध ठंडा कराइए, भगवान बड़े उग्र में हैं अभी, बड़े क्रोध में हैं। मैया ने कहा, हम नहीं जाएंगे इनके पास। लक्ष्मी मैया भी एक किनारे खड़ी हैं, जा नहीं रही हैं। लेकिन जब प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम्हारे लिए प्रभु ने ये रूप लिया, अब तुम्हारे ही हाथ में है, तुम शांत करा सकते हो। और प्रहलाद जी को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, प्रहलाद जी गए सीधा गोदी में बैठे और नरसिंह भगवान ने अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी के मुख को चाटना शुरू किया, दुलार करने लगे। जो नरसिंह भगवान के क्रोध से स्वयं लक्ष्मी माँ डर गई, जब वो नरसिंह भगवान के समक्ष उनका भक्त आया तो प्रभु का दुलार वात्सल्य उमड़ पड़ा। कहने का तात्पर्य, आपका भाव ही तो आपके भगवान को जन्म देता है, अगर भाव नहीं है तो भगवान थोड़ी ना आएंगे, कभी नहीं आएंगे, चाहे एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाए कभी नहीं आ सकते हैं। कितने भक्त ऐसे हुए, एक भक्त का मुझे नाम स्मरण नहीं हो रहा, एक संत आए, उन्होंने अपने पास शालिग्राम भगवान की प्रतिमा रखी थी, शिला रखी थी, पूजा करते थे। अब ये छोटे से बाल्यकाल में थे उस समय, उन्होंने कहा हमें आपके भगवान चाहिए। संतों को लगा ये बच्चा है, ये क्या पूजा पाठ कर पाएगा, तो काले रंग का एक पत्थर पकड़ा दिया, बोले यही तो वो भगवान है, यही वाले भगवान है। काले रंग के पत्थर को पकड़ाया, उस बच्चे का भाव ऐसा कि यही मेरे शालिग्राम है, बचपन से युवानी तक पूजा की। संत भगवान शालिग्राम भगवान को पूज कर ना पा सके उनको, और इस भक्त ने पत्थर को पूज कर भगवान को पा लिया। भावना, भाव ही सर्वस्व है और भाव ही सबसार है, भाव से जो कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है, भगवान भाव के वश आते हैं। अच्छा, जब दशरथ जी को राम जी चाहिए थे तो कहाँ गए थे, किसके पास, किसके पास गए थे जब कोई पुत्र नहीं था तो? अरे बोलिए, किसके पास? राम जन्म के दिन कहाँ सुना था हमने, लंका कांड नहीं सुनाई थी, किसके पास गए थे? गुरु गृह गए, आया यार, गुरु गृह गए तुरत महिपाल, गुरुदेव भगवान के पास। तो गुरुदेव ने क्या कहा, धरहु धीर होई हैं सुत चारी, चार बेटवा होंगे आप काहे को चिंता कर रहे, धीरज धरिए। बोला कैसे होंगे, क्या करूं मैं? बोला पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए,
यज्ञ किया, किया ना यज्ञ किया, तो ये तो इस जन्म की चर्चा है जब ये दशरथ जी के रूप में है। इसलिए इसके पिछले जन्म की भी जब चर्चा करिए, जब दशरथ जी मनु शत्रुपा के रूप में थे तो 23,000 वर्ष मनु शत्रुपा जी ने तपस्या की थी, और 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगिए, तो मनु जी ने कहा चाह हूँ तुम ही समान सुत, आपके जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान ने वर दिया कि आप उस ऋष खो जाओ, कहाँ जाई नृप तव तनय होब में आई, मैं खुद आऊंगा बेटा बन के। अच्छा, भगवान आसानी से मिले थे क्या मनु जी को? 23,000 वर्ष पिछले जन्म में तपस्या, इस जन्म में भी धर्मरत पूरा जीवन, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी दशरथ जी के रूप में जब हुए, उसके बाद भी चौथे पंतक की अवस्था, तब जाकर के राम जी दशरथ जी को मिले हैं इतने साधना के बाद। एक बात पूछती हूँ, इन मिथिला वालों ने कौन सी तपस्या की थी कि भगवान फोकट में जाके भेटा गए उनसे? कौन सी तपस्या की थी मिथिला वालों ने? कुछ किया था क्या कि कोई मंत्र बढ़िया ध्यान लगा के 4-4 साल का बेटे हो राम जी आ जाना किया क्या? अरे बोलिए, अभी तक की कथा में सुना आपने कि मिथिला वासियों ने तपस्या रखी है कि राम जी आ जाए? नहीं रखी ना, पर राम जी गए, अपने आप गए। क्यों गए? क्योंकि जो भक्ति को अपने हृदय में बिठा कर रखे, फिर उसे भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान उसको ढूंढते ढूंढते उसके घर आते हैं। और भक्ति कौन है? हमारी किशोरी जी। और जिन्होंने किशोरी जी का चरण पकड़ लिया, तो राम जी को तो इनके पीछे पीछे आना ही था। मिथिलांचल का एक भजन है, कोशिश कर लेना नहीं समझ आए तो भी। मिथिलावासी कहते हैं, अरे नेव तो ना पतियो ना अपने से अइले है। समझ में आए? अरे बोलो महाराज, हमें समझ में आए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेव तो ना पतियो ना अपने से अइले है, गुरु जी के कीरे पासे अपने भेटले है, गुरु जी के कृपा से सपने भेटले है, गुरु जी की कृपा से आइले ता चंदा होई की कीर्ति कमाइले है, आइले ता चंदा होई की कमाइले है, सिया जू के अपने भूलैले है, सिया जन के देखिले अपने भूलैले है, अवध के दुलरुआ दुलहा मिथिला में आइले है, अवध के दुलरुआ दुलहा मिथिला में आइले है, मिथिला के अनुपम छवि देखते लो भैले वासी। नेव तो ना पतियो ना अरे अपने से अइले है। मिथिला वासियों से कहा कि आप लोगों ने राम जी को इतने आदर से बुलाया है, पहले उसके बाद गाली दे रही हैं, तो मिथिला वासियों ने आज राम जी की और बरातियों की गलत फहमी दूर करी। बोला पहली बात, हमने बुलाया नहीं है, अपने पूछिए ये दुल्हा सरकार से, हमने बुलाया था क्या? नेव तो ना पतियो ना अपने से अइले है। बोला अपने से कैसे आ जाएंगे? बोला वो कारण है गुरु जी के कृपा से अपने भेटले। वो गुरु जी ने कृपा करी ना, विश्वामित्र जी, उनके साथ ये हमको तो मुफ्त में ही आके मिल गए, हमने बुलाया उलाया नहीं था। जब प्रेम होता है
तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, ठाकुर जी प्रेम के पीछे खुद ही चले आते हैं। और यही बात गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी से कही भी है कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम का अनुगमन करते हैं, जहाँ प्रेम मिले। कौन सा प्रेम? झूठा मुठ्ठा वाला प्रेम नहीं, पुनीत यानी कि पवित्र प्रेम। आजकल के प्रेम से तो ठाकुर जी बचाए। आदमी हर किसी से जिससे मिलते कहता है आप तो हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। अब आधा घंटा बाद यही बात दूसरे से कहता है आप तो हमें जान से ज्यादा प्यारे हैं। वो तो कहो जान बुरा नहीं मानती है, नहीं कहे कि तो ये प्यारे तो इन्हीं को रखो हम जा रहे हैं, तब होश ठिकाने लग जाएंगे कौन कितना प्यारा है। पुनीत प्रेम के पीछे राघव जी चलते हैं। आज मिथिला में भक्ति भगवान साक्षात विराजमान है। और मैं बार बार प्रसंगों में कहती हूँ कि भगवान केवल आपकी आरती पूजा अगरबत्ती नहीं चाहते हैं। चाहते हैं क्या? अगर भगवान को केवल यही चाहिए होता तो भगवान अयोध्या वासियों को शुरू से बता देते हम भगवान हैं, अब कल से दिया बाती शुरू करो हमारी। कन्हैया भी शुरू से बता देते, ग्वाल वालों को सबको बता देते कि मैं भगवान हूँ तो थोड़ा आदर से बात करना हमसे। ये तू तड़ाक वाली भाषा नहीं चलेगी। किया क्या? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान को नेम से ज्यादा प्रेम पसंद है। आप प्रेम करो उतना ठाकुर जी के लिए काफी है। हमारी कर्मा मैया, कर्मा बाई का नाम सुना है कभी? अरे सुना है कि नहीं? अरे बड़ी बड़ी विकट समस्या है आपके साथ। सुना हो तो ऐसे खोपड़ी करिए, नहीं सुना तो ऐसे करिए। सुना है तो फिर नहीं सुनाएंगे, छोड़ो। कर्मा मैया ठाकुर जी के मंदिर में गई। अब वहां पे भोग आरती हुई, शयन करा दिया गया। कर्मा मैया को पता चला कि अब पट सुबह खुलेगा 8 बजे। तो अब कर्मा मैया ने सोचा इसका मतलब ये ठाकुर जी 8-9 बजे के सोए सोए अभी इनको अभी खिलाया है तो अब ये अब कल सुबह में इनको पुजारी जी 8 बजे बाल भोग खिलाएंगे, इसका मतलब ये इतनी देर तक भूखे रहेंगे, रात भर में इनको भूख नहीं लग जाएगी। तो कर्मा मैया ने ठाकुर जी से कहा देखो ठाकुर जी ये पुजारी जी के भरोसे मत बैठे रहना, हम जा रहे हैं और पट खुलने से पहले भोर में 3-4 बजे हम आपके लिए भोजन बना के रख देंगी, आप मंदिर खुलने से पहले हमारे यहाँ खा लेना, फिर आके मंदिर में बैठ जाना, फिर आराम से अपना दिन भर की पूजा आरती लेते रहना, आपको भूख लग जाती होगी ना। इतने भाव से कर्मा मैया ने कहा। और भक्त का विश्वास सबसे मुख्य होता है, सबसे मुख्य। ये नहीं कि खाली कहा, कह के गई और घर पे खिचड़ी बनाना आधी रात में शुरू भी कर दिया। अब ये विश्वास ही तो है ना कि आएंगे इसीलिए तो बना रही हैं, भरोसा नहीं होता तो क्यों बनाती। बनाना शुरू कर दिया, अब बना दिया, अब बैठी इंतजार कर रही हैं। और जब इतने विश्वास से कोई भक्त बुलाए तो कैसे ठाकुर जी ना आए। ठाकुर जी आए, पाना शुरू किया, अपना पा लिया, बोला माँ सही कहा था तूने, मुझे भूख तो लग जाती थी, अब 8 के 8-12 घंटा भूखे, इसीलिए प्रभु अब रोज आप ना मेरे पास आ जाया करना, मैं डेली आपके लिए बना के रखूंगी। निर्धन थी, कोई धनाढ्य तो नहीं थी कि रोज व्यंजन बना के दें, तो खिचड़ी का नियम बना लिया। एक दिन बीता, दो दिन बीता, हर दिन का ये नियम बन गया। मंदिर खुलने से पहले ठाकुर जी कर्मा मैया के यहाँ जाते थे। एक दिन हुआ क्या, कर्मा मैया सुबह सुबह बहारू लगा करके अब रसोई में अपना बिना नहाए धोए, नहीं कि स्नान करके, बिना स्नान किए बढ़िया खिचड़ी चढ़ा दी। अब सुबह सुबह एक संत स्नान करने निकले तो खुशबू गई। संत भगवान ने सोचा इतना कौन सा भूखा आदमी है कि भोर में 4 ही बजे बनाना खाना शुरू कर दिया। देखा तो कर्मा मैया बहारू लगा रही थी, बोले इतनी सुबह सुबह ना नहाना ना धोना और सीधा तुमने रसोई बनाना शुरू कर दिया। कर्मा मैया ने कहा वो भगवान को भोग लगाना होता है ना, अब महाराज जी को क्या पता कि सही वाले भगवान जी मंदिर छोड़ के रोज आते हैं, उनको लगा मंदिर में अपने बिठाया होगा ठाकुर जी, उनको भोग लगा। अब संत भगवान गुस्सा करने लगे, इतना बड़ा पाप, बिना नहाए भगवान को भोजन,
पाप लगेगा, बहुत दोष लगेगा। भगवान को भोग लगाना है, नहाओ धो चौका करो, बढ़िया साफ सफाई करो, उसके बाद भोजन बनाना चाहिए भगवान के लिए। इतना नियम बता के चले गए। अब कर्मा मैया बेचारी भोली वाली, अगले दिन जब हुआ तब कर्मा मैया लग गई नहाने धोने चौका सफाई करने में, और ठाकुर जी आगे कहे खिचड़ी ला, बोला बनी नहीं है। महात्मा जी ने इतने नियम समझा दिए थे कि पालते पालते टाइम हो गया। ठाकुर जी से कहा आप चिंता मत करो मैं जल्दी से बना देती हूँ, फटाफट खिचड़ी बनाई, और गरम गरम थी खिचड़ी, खिचड़ी तो और देर से ठंडी होती है। अब खिचड़ी ला के सामने रखी, अब ठाकुर जी जल्दी जल्दी में पा रहे पर गरम है। अब इतने में मंदिर खुलने का समय हो गया, आधी खिचड़ी मुंह में आधी खिचड़ी हाथ में, ठाकुर जी मंदिर पहुंच गए, पर्दा खुल गया। अब पर्दा खुला तो पुजारी जी देख रहे मुंहों में खिचड़ी हाथों में खिचड़ी, हमने तो कुछ खिलाया नहीं। बोला जय जय कहाँ से लपेट के आए हैं? बोला वो मेरी कर्मा मैया के, हाँ मैं रोज जाता हूँ खिचड़ी खाने, रोज जाते। बोला हाँ रोज तो अच्छे से पा लेता था, आज वे बाबा जी के चक्कर में ढंग से नहीं खा पाए। बोला बाबा जी को? अरे वो कोई संत थे, जाकर मेरी कर्मा मैया को इतने नियम समझा दिए, बेचारी नहाने धोने में इतना देर हो गया। पुजारी जी आप मेरा एक काम करो, कर्मा मैया से कहना कि ये सब टकसाल करने की जरूरत नहीं, वो जैसे बनाती है ना मुझे वैसे उसके हाथ से खाना पसंद है, वैसे ही। अब विचार करिए, ठाकुर जी को अगर केवल नेम अच्छा लगता तो कर्मा बाई की खिचड़ी नहीं खाते, शबरी माँ के बेर नहीं खाते, कोल की रातों के वह कंदमूल फल नहीं खाते, वो इंतजार करते कि ये 56 भोग लाए तो मैं जी। ठाकुर जी प्रेम आपका चाहते हैं, अब वो प्रेम आप किस रूप में दे रहे हो वो आपकी मर्जी। वो प्रेम आप भोजन के रूप में दे सकते हैं, वो प्रेम आप अपनी पूजा के रूप में भक्ति के रूप में दे सकते हैं, वो प्रेम आप अपने प्रति अपने मन का समर्पण करके दे सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेम करना सिखाया नहीं जाता, प्रेम करना सिखाया जाता है क्या? अगर सिखाया जाता तो क्या पशु को सिखाना पड़ता है प्रेम करना? पशु भी प्रेम करना जानता है और प्रेम की भाषा भी समझता है। प्रेम की भाषा नेत्रहीन भी देख लेता है, बहरा भी सुन लेता है, और छोटे से छोटा अबोध बालक भी महसूस कर लेता है। 6 महीना का बच्चा भी जानता है कि हमारी माई कौन है, और वो उसी की गोदी में जाता है, क्योंकि प्रेम की भाषा को ठाकुर जी ने इसीलिए इतना सहज बनाया। ये प्रेम जन्मजात आपके भीतर रहता है। और एक बात कहूँ आपसे, अगर हम आज दुनिया में अपना प्रेम भाव रखेंगे तो संभव है कि कल ये प्रेम भाव भगवान से हो जाए, पर अगर हम जगत में रहकर दुनिया में अपने लोगों से प्रेम ना कर सके, समाज में प्रेम ना बांट सके, तो भगवान से भी प्रेम हो पाना थोड़ा मुश्किल है। जो चीज़ मन में रहेगी ही नहीं वो चीज़ कैसे किसी से उमड़ेगी। हमारे गुरुदेव भगवान से एक बार एक सज्जन आए, बोला गुरुदेव हमें आपसे दीक्षा चाहिए। और गुरुदेव दीक्षा बहुत मुश्किल से दिया करते थे। देखिए भैया, गुरु मंत्र देना आसान लगता है पर गुरु मंत्र देना इतना आसान होता नहीं है। भले लोगों ने आसान बना लिया है, कर लिया है, सच्चा गुरु बहुत सोच विचार करके किसी को मंत्र की प्रदत्ति करता है, बहुत विचार करके। क्यों? क्योंकि अगर शिष्य के द्वारा मंत्र का अनादर होता है तो उसका दोष गुरुदेव को लगता है। जो नियम बताए गए वो नियम खंडित होते हैं तो उसका दोष भी गुरु के पास जाता है। तो गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया, भैया किसी से प्रेम करते हो? इन्होंने कहा नहीं नहीं सरकार, हम किसी से प्रेम नहीं करते। बोला किसी एक से भी? बोला किसी से प्रेम नहीं करते, सत्य बात आपसे कह रही हूँ। गुरुदेव ने कहा तो भैया हम आपको नहीं दीक्षा दे सकते। बोला क्यों प्रभु? बोला जब बीज ही नहीं है तुम्हारे मन के अंदर तो पेड़ कैसे बनेगा? अगर बीज होता प्रेम का तो वो प्रेम एक दिन परमात्मा के चरणों तक जा सकता था। जो इंसान से प्रेम ना कर सका वो भगवान से प्रेम कैसे करेगा? असंभव है। मिथिलापुर वासी बड़ी तैयारी में बैठे हैं कि हमारे राघव जी अभी दूल्हा सरकार पधारेंगे। और दूल्हा सरकार आए, विराजमान कराया, जनक जी महाराज ने अयोध्या नरेश के चरण पखारे, दूल्हा सरकार के चरण पखारे, स्वर्ण जड़ित पीढ़े रखे गए हैं और भोजन परोसा जाने लगा। सब चीज तो परोस दी गई,
लेकिन जैसे ही अयोध्या वासियों की थाली में खीर आया तो हड़कंप मच गया। खीर से काहे हड़कंप मचा, अब एक दूसरे को सब टुकु टुकु निहार रहे, फूल खा लेना खीर मत खाना। बोला क्यों खीर क्यों नहीं? बोला खीर का ही परिणाम है, जिनके विवाह में हम आए हैं वो खीर से ही आए हैं। राम जी का जन्म कैसे हुआ था? खीर का प्रसाद माताओं ने पाया, तभी तो ये चार लल्ला आए। तो ये मिथिला का व्यंग है, ये हम ना कह रहे, नहीं हमें पे ही थोप दे आप लोग सारी बातें। मिथिला वासी कहते हैं जैसे ही खीर आई कटोरी खीर की, एक दूसरे को आंखें, उसको किनारे कर देना खीर नहीं, बोला थोड़ा सा ना 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 ना। संत जन कहते हैं अयोध्या वासियों ने खीर की कटोरी चुपचाप उठा उठा के किनारे कर दी। बोला कि आप लोग खीर क्यों नहीं खा रहे? बोला खीर जनी खाऊ कहीं लाल हो जावे, खीर मत खाना कहीं हमारे चार सरकार बगली में बैठे हैं, एक एक लेके गोदी में हम अयोध्या पहुंचे फिर तो बवाल होगा। और यहाँ पर मिथिलापुर वासी इस बारात को इस जमात को देख कर अति आनंद में है। हमारे मिथिलावासी कहते हैं अयोध्या वासियों को का सुविधा मिल रही थी, अयोध्या में कुछ मिल थोड़ी ना रहा था, नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो समय से पहले बारात लेके मिथिला आ गए कि थोड़ा पहले बिफोर टाइम चलो चकाचक खाने को मिलेगा। आए मिथिलापुर, और मिथिलापुर में जब आए इसके उपरांत अब व्यवस्थाएं देखो, भोजन जब परोसा गया, दाल चावल रोटी सब्जी अनेक प्रकार के व्यंजन जो इनने ना कभी देखे ना कभी सुने, पांच छह व्यंजन परोसे गए थे। अयोध्यावासी इतने बढ़िया भूख में आए, तुरंत के तुरंत हाथ बढ़ाया और कौर उठा लिया। तब तक एक रसोईया ने कहा अरे 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 कहाँ कहाँ कहाँ, अरे महाराज कम से कम थाली तो पूरी परोस लेने दो, थोड़ा संतोष रख लो। ये बेचारे लजा के फिर कौर रखे, अब हाथ कसमसा रहे हैं, थाली रखी है खाने को मिल नहीं रहा है, क्या करें। अब मिथिला की जो सखियाँ हैं, सखियों ने राघव जी को गाड़ी देने का पूरा इंतजाम किया है, आकर के खड़ी हुई हैं सुंदर सुंदर गाड़ी तैयार करके। और मेरे रघुनंदन लखन लाल ने कहा भैया जब से आए हैं तब से इनकी टेढ़ी टेढ़ी बात सुन रहे हैं, आज भी ये हमको बख्शेंगे नहीं, इनके हाव भाव बता रहे हैं, आज ये पूरी कसर निकालेंगे, आज ये छोड़ेंगे नहीं हमको। राम जी ने कहा चिंता मत करो, आज इनको तो हम सीधा करेंगे। लखन लाल ने कहा खुद ही इतने सीधे हैं, आपका किसी को सीधा करेंगे? बोला नहीं नहीं कभी कभी सीधा आदमी भी काम कर लेता है, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक ही काम करेंगे। बोला क्या? बोला देखते जाइए। सखियाँ अटारियों पर हैं, और हुआ क्या? राजी की बातें सुनो सजनी, मड़वा में भयो एक अचरज भारी, जीवन बैठे सभी सुत चारे, सब नारी चढ़ी मिथी लेशी अटारी, देखत राम को रूप अनूप, भुलाय गई सुध देख निहारी, भूले गई अवधेशी को नाम, और दिन लगी मिथी लेशारी। जनक जी का नाम तो इनको भुला गया, क्यों भुलाया? राम जी ने अभी अभी बोला है ना इनको हम ठीक कर देंगे। तो जैसे ही भोजन की थाली आई, राम जी के मोर की लड़ किनारे गई कुंडल के ओर, राम जी ने थाली की ओर बाद में देखा, इनकी ओर पहले देखा, और देख करके राम जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। और राम जी मुस्कुराएं और कोई सही बच जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि राम जी किसी को मुस्कुरा के देखो पगलाए ना? हमारे मिथिलावासी कहते हैं शुक्र है सरकार आप लाला बन के आए हो, लाली बन जाते तो कत्ल हो जाता दुनिया में, वो तो लाला हो तो इतने बावरे हैं। और सही में जब ठाकुर जी ने मोहिनी रूप बनाया तो मोहिनी रूप देख के देवता भी लट्टू बने पीछे पीछे घूम रहे, ठाकुर जी करे अरे हम ही हैं, पर स्वरूप इतना सुंदर कि नेत्र नहीं हट रहे। और ये मिथिलानिया राम जी जैसे देख के मुस्कुराए, अरे 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 अरे, सारा जितना गाड़ी की डायरी बनाई थी सब भुला गई, उल्टी गाड़ी हो गई। कैसे हो गई? गाड़ी देनी थी दशरथ जी को, देना शुरू किया जनक जी को, इतना गाड़ी दिया जनक जी को, जितना नहीं याद था वो भी जोड़ जोड़ के गाड़ी दिया।
और गारी देने के बाद सखी कहती है, अब तो देखो सारी कसर तो हो गई, तब तक पता चला अभी उधर तक कसर गई ही नहीं है, जो कसर निकली है अपनी ही पार्टी की निकली है। अभी कहाँ बरातियों को गारी दी गई, एक को नहीं दी गई। तो अब सखियां राघव जी को गारी देती हैं, आपने शायद सुना भी हो, तो जरा मेरे साथ गाते हुए कहिएगा। उस सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खाए हैं, सखी दा बबुआ जी के सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खाए हैं, सखी दा बबुआ जी के गारी ऐसे ना खाए हैं। Oh, yeah.
बजाइए तब गाइए। ओ लोगवा देत काहे गारी, जेवनार के उपरांत बारात के विदा होने की बात आई है, विदा होने की चर्चा हुई है। संत जन कहते हैं 6 महीने तक बारात मिथिला में रही, 6 महीने के उपरांत बारात मिथिला धाम से श्री अयोध्या आई। बोलिए सियावर रामचंद्र की, और धीरे बोलियो, इतनी भी मेहनत काय को करनी है, हम कौन सा आपको कुछ दे रहे हैं, एहसान नहीं करो हम पे, हम तो दब के मर जाएंगे आपके एहसान के नीचे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, दुल्हा सरकार की। 6 महीने तक बारात रुकी रही और 6 महीने उपरांत बारात मिथिला से श्री अवध धाम में लौटी है। ये संतों की कही गई, संतों की मान्यता हुई बात है। मानस में तो फिलहाल समय की अवधि नहीं ऐसी कोई विशेष कर बताई गई, पर ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करिए, ठाकुर जी अपने भक्तों की प्रेम की गाली भी सुन ले रहे हैं और हम कहते हैं भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। बड़ी विपरीत स्थिति है ना, एक जगह बैठ के आराम से खा भी रहे हैं, गाली भी सुन रहे हैं। हम यहाँ अगरबत्ती दिखा के ठाकुर जी को और प्रार्थना सुना रहे, भगवान सुन ही नहीं रहे, तो कुछ तो फर्क होगा ना। जो काम उनका गाली कर, उनकी गाली कर रही है, वो काम शायद हमारी प्रार्थना नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है उनके गाली में भी प्रेम है और हमारे प्रार्थना में भी प्रेम नहीं है। उनकी गाली भी भाव से सनी है और हमारी प्रार्थना भी भाव से रहित है, अधूरी है। और यही कारण है अभी तक हमें ऐसी अनुभूति नहीं होती कि ठाकुर जी हमारी बात सुन रहे हैं, नहीं होती है। हर चीज को व्यक्त करने का एक तरीका होता है ना, किसी भी कार्य को करने का, किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है। माताओं को ना समस्या है, चलिए 5 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके 5 नहीं मतलब 1-2 मिनट, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय कर रही थी आप सभी से कि राघव जी ने अति आनंद के साथ मिथिलापुर वासियों को अपने दर्शन का लाभ दिया। बारात अयोध्या वापस आई है, यहाँ अवध धाम में भव्य स्वागत किया गया समस्त पूरी बारात का। अपनी चारों पुत्र वधुओं को मैया ने अति आदर के साथ आरती उतार कर रनिवास में प्रवेश कराया। तदुपरांत यहाँ पर बालकांड की कथा को मेरे गोस्वामी जी ने इसी प्रसंग पर विराम दिया है। सिय रघुवीर विवाह जी सप्रेम गावहिं सुनहिं तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। राघव जी के इस परम पावनी विवाह गौरव गाथा का जो भी जन गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसी फलश्रुति के साथ बालकांड को विराम दिया गया। आइए मानस जी के द्वितीय सोपान में हम और आप प्रवेश करते हैं। श्री राम कथा का, श्री रामचरित मानस का द्वितीय सोपान, द्वितीय कांड कौन सा है?
कौन? आप नहीं, आप लोगों से पूछ नहीं। मानस जी का दूसरा कांड कौन सा है आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए ना। हमारा ग्रंथ है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्री रामचरित मानस। आपने इसके पूर्व कितनी कथाएं सुनी हैं, और अगर हमें ही नहीं पता होगा तब तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। ध्यान में रहे, प्रथम कांड अभी तक हम जो सुन रहे थे वो है श्री बाल कांड, और अब हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं सोपान का, इस कांड का नाम है श्री अयोध्या कांड। अब का फायदा, अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं अब हम और आप। अयोध्या कांड की कथा का प्रारंभ हुआ है श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने पहला दोहा जो लिखा। दोहा याद है आप सबको, बस पता नहीं है कि हमें याद है, सब लोग साथ में कहेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फल छा। सबके स्मरण में है ये श्री हनुमान चालीसा में दोहा उपस्थित है, पर पहले मानस जी में लिखा गया है और फिर इसी दोहे को गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा जी में भी लिखा है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की, क्योंकि अपने मन रूपी दर्पण को मैं साफ कर सकूं ताकि मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि अगर शीशे में दाग है, दर्पण में दाग है, तो भगवान की छवि स्पष्ट दिखाई देने वाली। शीशे दो तरह के होते हैं, आप सबने देखे होंगे। एक शीशा होता है जिसमें हम दिखाई देते हैं, यानी कि दर्पण जिसको हम कहते हैं। एक शीशा होता है जो खिड़कियों पर लगा होता है, दरवाजों पर लोग लगवाते हैं। उस शीशे और इस शीशे में फर्क क्या है? दर्पण जब आप उठाते हैं तो आपको आप दिखाई देते हो, सामने वाला नहीं दिखाई देता। दर्पण के उस पार कोई है तो क्या दिखाई देगा? कौन दिखाई देगा? अरे कौन दिखेगा दर्पण में? हम दिखेंगे। पर अगर शीशा सामने हो तो सामने वाला हमें देख पाता है और हम सामने वाले को। ये भेद है दो तरह के शीशों में। अब सुनिए, श्री राम कथा को हमें क्या बनाकर अपने जीवन में रखना है ये बात भी हमें समझनी होगी। ये श्री राम कथा शीशा बनना चाहिए हमारे लिए कि दर्पण? शीशा की दर्पण, दर्पण क्यों? आप अगर मानस जी के चरित्रों को दर्पण बनाकर अपने सामने रखेंगे तो उस दर्पण में आप स्वयं को देख पाएंगे। इससे होगा क्या? इससे समझ में आएगा कि मानस की कथा क्या कहती है और मेरा जीवन कैसा है। आप में से किसी ने कभी खून की जांच कराई है, ब्लड टेस्ट? अरे हाँ तो पर करियो, हमने कराई है। अच्छा, जिनने नहीं कराई आप पर ठाकुर जी की कृपा है, जाकर प्रणाम कर लेना कि मौका नहीं आने दिया ठाकुर जी ने। जब आप कोई टेस्ट कराते हैं, मान लीजिए किसी भी कार्ड से, बुखार के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो दो कॉलम बने होते हैं। एक कॉलम में जैसे आपने ब्लड टेस्ट कराया, जो मैंने ज्यादा कराया तो मुझे उसकी रिपोर्ट याद है, ब्लड टेस्ट। अक्सर मुझे अपनी हीमोग्लोबिन जांच करानी पड़ती थी कि कितना है, कहे कि 5 के ऊपर कभी जाइबे नहीं करता था, और 7 चला जाए तो हम बड़े खुश हो जाते थे। तो जब हीमोग्लोबिन की आप जांच कराओ या कोई भी जांच कराओ, तो एक कॉलम में लिखा रहता है कि आपके अंदर कितना है इस समय। मान लीजिए शुगर टेस्ट कराया तो शुगर कितना अभी है पहले खाने में वो लिखा रहेगा, उसके बाजू वाले खाने में लिखा रहेगा कि आपका शुगर कितना होना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं कह रही? ऐसा ही होता है ना। पहले खाने में वो लिखा है जो आपके भीतर है, और दूसरे में लिखा रहता है कि शरीर के भीतर कितना रहना चाहिए तो आप स्वस्थ माने जाएंगे। ये दो खाने होते हैं। अब समझिएगा, मानस जी भी हमारे लिए वही मानक है। किस प्रकार है? मानस जी में प्रत्येक प्रसंग है, हर एक पात्र है। भाई भी है, पत्नी भी है, पति भी है, मित्र भी है, शत्रु भी है, अपने भी हैं, पराए भी हैं, कौन दूर के अपने आकर बन गए और प्रेम लुटा दिया। हर एक प्रसंग है मानस जी में,
हर एक पात्र है। अब किसी भी एक पात्र जहाँ पर आप खड़े हैं, ये अपने जीवन को देखिए कि मेरे जीवन में क्या है, फिर मानस जी के उसी पात्र को उठाकर देखिए कि उनका जीवन कैसा है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कमी है और कितनी पूरी है। मान लीजिए आपका खून है 10% है, 11% है, होना वैसे 12 से 13 और महिलाओं में 11 से 12 के भीतर इतना ठीक होता है। अगर आपके भीतर 10 है तो इसका मतलब आप ठीक हो, आप अस्वस्थ नहीं कह जाओगे। पर अगर 7-8 हो जाए तो फिर आपको चुकंदर खाने की ज़रूरत है, और अगर शुगर बढ़ा है तो चीनी घटाने की ज़रूरत है। उसी प्रकार मानस जी हमारे जीवन का वो दर्पण हो कि हमें समझ में आ जाए कि मानस जी की कथा क्या कहती है इस पात्र को लेकर और मेरे जीवन में क्या है। अगर हम किसी के भाई हैं तो भाई ने मानस में क्या अपना दायित्व निभाया है और मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं। मानस जी में 3 भाइयों की चर्चा आई है, एक राम जी चारों भैया, एक सुग्रीव वाली और एक रावण विभीषण। ये सब भाइयों की बहुत मूल में जो चर्चा आई है। अब आपको उठाकर देखना है कि इन तीनों में से आपका कौन सा वाला प्रेम है, चारों भैया जैसा है, सुग्रीव बाली जैसा है कि रावण और विभीषण जैसा है। मानस जी की कथा ना भैया, यही आचार संहिता है, यही व्यवहार संहिता है, यही विचार संहिता है और यही भावपार संहिता है, हर एक चीज है। इसमें वो भाई भी हैं जो एक दूसरे पर प्राण लुटाते हैं, इसमें वो भाई भी हैं जो संपत्ति के लिए एक दूसरे को मारे पीटे डाल रहे हैं, इसमें वो भाई भी है जिसमें एक भाई तो सुन नहीं रहा पर दूसरा सर्वस्व समर्पण किए हैं। तीनों प्रकार के हैं। आपको नहीं लगता हमारे समाज में भी ये तीनों कैटेगरी है? कोई भाइयों के बीच चारों जैसा प्रेम होगा, किसी भाई में संपत्ति के लिए बंटवारा और संपत्ति के लिए समस्या है। देखिए, मैं संपत्ति के बंटवारे का विरोध नहीं करती, इसलिए नहीं करती क्योंकि आज के समय में सबकी अपनी अपनी जीवन शैली है, सबका अपना अपना जीवन है, हर चीज़ अलग है। पर मैं संबंधों के बंटवारे का विरोध करती हूँ, मुझे वो चीज़ थोड़ी खटकती है। आपका धन बटे कोई बात नहीं, पर मन नहीं बटना चाहिए। अगर आपका मन नहीं बटा है तो धन के 10 टुकड़े भी हो जाएंगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और अगर मन बटा है तो पूरा धन और परिवार एक जगह रहे फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। भीड़ जमा करने से प्रेम नहीं होता है, मन एकत्र होता है तो प्रेम जन्म लेता है। सारे प्रसंग हैं इसमें। अब मानस जी का यह जो कांड है श्री अयोध्या कांड, सबसे पहला क्या होता है, बचपना। बचपन के बाद क्या आती है, युवानी आती है ना, और युवानी के बाद उसके बाद बुढ़ापा। बुढ़ापा, अब समझिएगा ये मानस जी की कथा युवा अवस्था है। जिस प्रकार ये फूल है, ये 5 दिन पहले चढ़ा सकते थे क्या, अब 5 दिन बाद चढ़ा सकते हैं क्या? अभी ये चढ़ाया जा सकता है क्योंकि तरोताजा है। हमारा ये जो पुष्प है, हमारा बचपन, वो कली है जो अभी भी पूरी तरह नहीं खिली है जो समर्पित की जा सके। 5 दिन बाद है इसका बुढ़ापा। आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, और देख दशा यों फूल की फिर क्यों फिरता फूल। सारी चीजें हैं ना, ये 5 दिन पहले जा सकती है प्रभु चरण में, ना 5 दिन बाद, ये आज जाने योग्य है क्योंकि ये इसकी युवा अवस्था है। उसी प्रकार हम भी अगर अपने जीवन की युवा अवस्था के पड़ाव को धर्म से जोड़ दें तो संभव है कि हमारा बुढ़ापा और हमारे जाने तक का क्रम अच्छा हो सकता है, भली प्रकार हो सकता है। समय गुजर रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
पता लगने वाला नहीं है। पता क्या लगेगा, जब समय हाथ से निकल जाएगा तो वो गया हुआ समय याद आएगा। कब, जब समय खत्म हो जाएगा तब स्मरण में आएगा कि पहले कर लिया होता तो अच्छा था, तो बढ़िया था। यहां दशरथ जी महाराज के विषय से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ की गई। श्री दशरथ जी महाराज ने अपने जीवन का दर्पण उठाया है। क्यों उठाया? गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोदे बधाई, नव मंगल मोदे बधाई, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुमित मेघ दर्शन सुख बारी,
जी महाराज ने सभा में दर्पण मंगाकर अपने मुख का अवलोकन किया। मुख का अवलोकन किया तो क्या दिखाई दिया, दशरथ जी ने देखा मेरा मुकुट थोड़ा सा तिरछा है और कानों के पास के बाल सफेद हो चुके हैं। दशरथ जी महाराज ने मुकुट तो सीधा किया पर श्वेत केशों को जब देखा तो दशरथ जी ने विचार किया। हमारे जीवन की समस्या क्या है, हम विचार बाद में करते हैं, काम पहले करते हैं। और मानस जी की कथा कहती है पहले काम करने से पहले विचार करिए, उसके बाद में कुछ करिए। दशरथ जी विचार कर रहे हैं क्या, मनहु जरठ पने अस उपदेशा, ये सफेद बाल मुझे लगता है कुछ मुझे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दशरथ जी अब आपकी वृद्धावस्था आ गई है तो अब आपको ये सारे दायित्व से छुट्टी लेकर के अब वानप्रस्थ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अब दशरथ जी महाराज ने तत्काल इस चीज को पालन करने के लिए तुरंत सारे विधान को बनाना शुरू किया। पंचों से सलाह ली, क्या ली, अगर आपको ठीक लगे तो जो पांच ही मत ला गई नीका करूं हर्ष ही राम ही टीका, उचित लगे तो मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं और मुझे अब उनको सौंप देना चाहिए। अच्छा माता पिता किसके लिए सारी संपत्ति बनाते हैं, किसके लिए जोड़ते हैं, बच्चों के लिए ना, बेटे के लिए विशेषकर। बिटिया को तो एक बार दे करके ठीक है, जो था अपनी स्वेच्छा से दिया, लेकिन विशेषकर मूलतः पुत्र के लिए सारे धन का संग्रह किया जाता है कि मेरे बेटे के लिए ये चीज बन जाए, ये काम आएगी वो काम आएगी। अच्छा संग्रह करना अच्छी बात है पर मैंने संतों से एक बात सुनी है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। बेटवा नालायक है तो का करोगे धन जोड़ के, आप जोड़ जोड़ के मर जाओगे, वो एक दिन में फूंक के बराबर कर देगा। और अगर योग्य है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, कुछ सीखा है उसे, केवल देखा है सीखा नहीं ना। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, ये 24 गुरुओं ने दीक्षा का मंत्र नहीं दिया था, ये शिक्षा गुरु थे दत्तात्रेय जी के। शिक्षा गुरु का मतलब दत्तात्रेय जी को जिससे भी जो ज्ञान प्राप्त होता वो उसे अपना गुरु मान लेते थे, उसमें से एक मधुमक्खियां भी हैं। मधुमक्खियों से क्या सीखने योग्य है, आपको लगता है कुछ है, अरे बोलिए लगता है कुछ है, का है, ऐसे ऐसे तो करे हो, अब बताओ का है। मधुमक्खियों को कभी गौर से छत्ते की ओर देखिएगा, कुछ मधुमक्खियां जाती हैं और कुछ मधुमक्खियां आती हैं, उनकी कंटिन्यूसली ड्यूटी चलती रहती है। हम इसलिए बता रहे क्योंकि हमारे रघुनाथ भैया का इतना बड़ा छत्ता लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि बस जो आ गई काम में लगे, नहीं, इधर जितनी आती हैं उतनी जाती रहती हैं। अब मैंने गिनती नहीं करी कि कितनी आ रही है कितनी जा रही, इतना फुर्सत नहीं थी, आती हैं और जाती रहती हैं। अब ये आने जाने का क्रम है और वहीं का छत्ता इतना बड़ा हो चुका है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है पर और वैसे आप कहीं पर भी देखते होंगे छत्ता, एक एक बूंद बूंद करके वो रस जोड़ती हैं, जोड़ती हैं ना, क्या उस शहद को वो पीती हैं, कौन पीता है, हमरे आपके जैसा कोई आदमी होता है ले जाके सारे छत्ते का शहद साफ। अच्छा अब इन मधुमक्खियों से कोई पूछे तुम्हें तो कुछ मिला नहीं तो तुमने जोड़ा क्यों था, यही हाल हमारा है, हम जीवन भर जोड़ते हैं उसी मधुमक्खी की तरह, जबकि हमें भी पता है कि ये हमारे काम आने वाली नहीं है, हम उसी की तरह लगे रहते हैं 24 घंटे। देखिए हर चीज का हमारे शास्त्रों ने एक समय बनाया है, बचपन की अवस्था है तो आनंद से जिया जाए, थोड़ा समय जब आए युवानी का तो भविष्य की योजना बने पर अपने आध्यात्म की ओर भी ध्यान दिया जाए, और जब वृद्धावस्था आए तो सारे काम को छोड़कर अब केवल राम राम किया जाए। ये तीन है हमारी अवस्था, तीनों में अलग अलग बटे हुए हैं काम,
लेकिन अगर हम अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक बोझा लिए रहेंगे, क्यों? अगर हमने बच्चे को दे दिया तो कहीं बिगाड़ ना दे, चौपट ना कर दे, और हमारे मरने के बाद का हमारी आत्मा उसको रास्ता दिखाने आएगी, कौन आएगा? LIC एक बात कहते ना, यहाँ कोई LIC का तो नहीं है, और कोई हो तो हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, आपका ही प्रमोशन कर देंगे इसी बहाने। LIC कहती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। कितने लोगों ने अपना अकाउंट चेक किया मरने के बाद कि हमार कितना बढ़ा है ब्याज? आया है कोई आपके घर में जो चले गए हो खाता खुलवा के FD फिक्स डिपॉजिट? एक को लोग आपके सपना में आके पूछे, आपके बाप दादा कोई भी आपके पूर्वज, कि हमारे खतवा का क्या हुआ, हो चल रहा है कि बंद हो गया, कोई आया क्या? तो जिंदगी के साथ तक तो LIC ठीक है, पर बादी में तो दूसरे के काम आई, हमारे तो ना आई। अपने काम आएगा क्या? नहीं आएगा। वो अपनों के काम आ सकता है, पर अपने काम आने वाला नहीं है। अपने काम में खाली एक पॉलिसी काम आएगी, वो है राम नाम की पॉलिसी। और जो ये पॉलिसी एक बार फिक्स डिपॉजिट कर दिया तो ये जीने से मरने तक साथ चलेगी, बाकी दुनिया का कोई खाता हमारा वहाँ तक चलने वाला नहीं है, वहाँ कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। अरे अपना पसंदीदा कपड़ा भी नहीं जाता भाई, आदमी अपने पसंद के कपड़े को कितना जोड़ के रखता है, कोई देखे ना, कोई छुए ना, ये हमारा फेवरेट कलर है, छू मत लेना। और मरने के बाद सबका फेवरेट कलर एक हो जाता है, उज्जवल, सब सफेद। आदमी डिमांड भी नहीं कर सकता। एक 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 कपड़ा है जिसका नाम है कफन, कफन। सारी चीज की आदमी तैयारी करता है, शादी के लिए शेरवानी बनवा लेता है, आने जाने के लिए पार्टी वियर धोती कुर्ता बनवा लेता है, पर हम में आप में से कोई भी अपने आखिरी विदाई के लिए कफन एडवांस में नहीं लेके रखता, लेता है क्या? कोई आदमी सोचता है कि अरे हम अपने लिए 6 मीटर रखे रहें, का पता हमारे हमें कोई दे कि ना दे, कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि मनुष्य को अपनी जिंदगी तक का तो अच्छा लगता है, ख्याल करता है, पर मृत्यु के बारे में सोचना भी नहीं चाहता, सोचना भी नहीं चाहता है मनुष्य। अगर कोई कह दे अरे भैया का पता तुम्हारी कब मृत्यु हो जाए, तो सामने अरे शुभ शुभ बोलो भैया, काहे मना रहे हो हमारे मरने का, ऐसा डांटेगा ना हमको। लेकिन याद रहे, जो व्यक्ति अपनी मृत्यु को स्मरण में रखेगा वही व्यक्ति जीवन को अपने सुधार सकता है, और जो मृत्यु भूल गया वो गलतियां ज्यादा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं कि हमको भी जाना है। और जो व्यक्ति ये ठान के बैठा है वो कभी अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान नहीं देगा। यहाँ पर दशरथ जी ने तत्काल निर्णय लिया कि मैं राम को राजा बनाऊं, पर सरस्वती मैया ने मंथरा की मति फेर दी। कल राम जी को राजा बनना है, अब मंथरा की बुद्धि ऐसी फेरी कि मंथरा ने आकर कैकेयी मैया को समझाना शुरू किया। क्या शुरू किया? अरे अगर राम राजा बन गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? अरे आप रानी से आप जो अभी रानी हो ना, आप रानी वानी नहीं रह जाओगी, आप दासी बन जाओगी, क्योंकि कौशल्या को अधिकार मिल जाएगा, फिर तो वो आपसे अपनी सेवा कराएगी। इतनी सारी बातें कही मंथरा ने, भैया भोजन में अगर जहर दे दिया जाए तो आप ठीक हो सकते हैं, पर कानों में अगर जहर चला जाए तो इस चीज का कोई इलाज नहीं है। मंथरा की बातें सुनी कैकेयी मैया ने कहा मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा बिगड़ा नहीं है कुछ, रात्रि भर का समय है, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। जो दो वरदान मांगे हैं आपने देवासुर संग्राम के समय, आज उनको मांगने का वक्त है, मांग लीजिए। कैसे मांगू, क्या मांगू? मंथरा ने पूरी तरह से समझा करके भेजा है कैकेयी मैया। कैकेयी मैया कोप भवन में पहुंची, आभूषणों का त्याग किया, मेले वस्त्र धारण किए, धरा पर शयन कर रही हैं, दशरथ जी आए। दशरथ जी ने कहा एक बात बताइए, किसने आपका अपमान किया? कहू के ही रंग कहीं करऊं नरेशु, कहू के ही नृप ही निकारहूं देशु। कहिए किस राजा को रंक कर दूं, किस राजा को रंक बना दूं, आप बताइए किसने आपका अपमान किया है? आपको पता है कल राम राजा बनेगा, कुछ आपको मांगना हो तो मांग लीजिए।
कैकेयी मैया ने कहा नया वरदान नहीं, पहले पुराना पूरा करिए। अच्छा, इसके लिए नाराज हैं, चलिए दूंगा। मैया ने कहा दूंगा पे विश्वास नहीं है, शपथ लीजिए। दशरथ जी ने कहा देवी रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली प्राण दे सकता है पर वचन से पीछे नहीं हटता, आप मांगो तो सही। मैया ने दो वरदान मांगे, पहले में भरत जी के लिए राजगद्दी और दूसरे में मांगा राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। दशरथ जी व्याकुल हो गए, बार बार निवेदन किया पर मैया ने अपनी बात नहीं हटा ली। सुमंत जी से कहकर राम जी को बुलवाया तो राम जी से भी कहके मैया ने सारी बातें स्पष्ट कही। राम जी ने कहा माँ वो बालक वो संतान भाग्यशाली होती है जिसे अपने माता पिता के कहे गए कार्य को करने का अवसर मिले। मैं अति भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना सुंदर सो अवसर प्राप्त हुआ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुरंत राघव जी मेरे कौशल्या माँ से गए आज्ञा लेने। कौशल्या माँ से जाकर ये नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने जंगल भेज दिया। किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात कही। कई व्यक्ति डांटते भी है ना तो इतने प्रेम से डांटते हैं कि लगता ही नहीं कि डांट रहे हैं, और कई व्यक्ति प्यार से भी बोलते हैं तो लगता है अभी तो ये मर्डर कर देंगे। वाणी में हमेशा एक नम्रता होनी चाहिए। आप कभी भी बोलिए, हमारे यहाँ विचार करके बोलने का विधान कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। बोलने के बाद ना विचार आ जाए कि हमने का रायता फैलाया, बोलने से पहले विचार आ जाए कि मुझे क्या बोलना है। आपसे निवेदन करूं, एक बार एक माई एक संत के पास गई, बोली महाराज जी हमको दीक्षा चाहिए, और लगभग उनकी उम्र 80-85 साल की। बोला माई आपने इतने दिनों तक अभी तक दीक्षा नहीं ली है, मंत्र नहीं लिया। बोला नहीं नहीं, 2-3 गुरु जी से पहले ले चुकी हूँ, वैसे तो हमारा 4 बार हो चुकी है दीक्षा। 4 गुरु जी बन गए 4 बार, मतलब कैसे? बोला एक तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी बचपन में दिला दिया घर वाले गुरु जी से। बोला अच्छा, फिर उसके बाद हुआ क्या कि हमारी जब शादी हुई तो पति के साथ एक बार हमने दीक्षा ली, 2 गुरु जी। अच्छा बोला पहले वाले कहाँ गए? पहले वाले तो, बोला वो जो शादी के बाद ली थी पति के साथ। बोला वो भी। बोला फिर वो हमारे पति का जब देह शांत हो गया तो उसके बाद भी हमने गुरु जी बनाए। बोला अच्छा तो 3रे गुरु जी? बोला वो भी चल दिए। बोला उसके बाद 4थे गुरु जी? बोला हमारे घर एक बार भागवत बैठी थी तो हमने सोचा इन्हीं से ले ले। बोला तो फिर 4थे वाले तो होंगे ना? बोले वो भी चले गए। बोला तो अब माई बोला आप हमको दीक्षा दे दो। गुरु जी ने कहा तुम का चाह रही हो, हम भी जाने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाएं ताकि तुम 5वां के बाद 6वां गुरु जी ढूंढो कि 5 हो निपट गए, 6वां कोई और निपटे। ये तो मैं आपसे कथा की बात कह रही हूँ, मेरे साथ तो वास्तविक में ये घटना हुई थी। मैंने महासमुंद में जिक्र भी किया था कि एक बार मुझे एक फोन आया
और उन्होंने कहा दीदी कथा करानी है। मैंने कहा आदेश करिए कब करानी है, तो उन्होंने बताया हमारे यहाँ पहले भी 3-4 वक्ता आ चुके हैं, 2-3 के उन्होंने नाम बताए। तो उन्होंने बोला पहली बार हमने फला शास्त्री जी से कराया था, अब वो नहीं रहे, मर गए। बोला उसके बाद हमने एक और देवी जी को बुलाया था, वो नहीं रही, वो भी चल बसी। फिर बोला एक और गुरु जी आए थे अभी पिछले साल, वो भी निपट गए। हम कहे तो बोला बाप कथा करो, हम कहे हमहू को निपटाओगे आप, है हमारी जो कथा लगे वो के बाची तू। कहने से पहले विचार आ जाए। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत साधारण बात कह रहे हैं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, लगता है ना हमें, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो आपको लग रहा है आपने नहीं कहा, पर सामने वाले के लिए वो बात कभी कभी बड़ी क्लिष्ट हो सकती है। आप किसी को वो बात ना कहें जो बात आप स्वयं के लिए नहीं सुन सकते हैं। बहुत सीधा सा एक नियम है, जो बात आप स्वयं के लिए पसंद नहीं करते वो किसी और को भी मत बोलो, और जो बात आप सुन सकते हो वही बात किसी और को बोलो। ये आप मान के चलोगे तो आप ना देखोगे आपकी वाणी में आपको बहुत सुधार मिलेगा। जानते हैं भैया, अच्छा अगर कोई दुकान है और उसका शटर गिरा हुआ है, कोई बोर्ड नहीं लगा है, आपको कैसे पता चलेगा किस चीज़ की दुकान है? कैसे मालूम पड़ेगा? जब शटर खुलेगा तब पता चलेगा कि कोयले की दुकान है कि हीरे की दुकान है। ये हमारा ये जो मुख है ना, ये भी शटर है, और ये शटर खुलते ही पता चल जाता है कि इसके भीतर कौन बैठा है। हम भक्त हैं, हम विषयी हैं, हम अच्छे हैं, हम कामी हैं, हम सदगृहस्थ हैं, ये शटर खुला और सामने वाले को पता चल जाता है कि कैसा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। विचार के राघव जी ने बड़ी सरलता से कहा, माँ पिता दीन है मोहि कानन राजू। कह सकते थे ना पिताजी ने जंगल भेज दिया, बोल सकते थे ना, पर राम जी का शब्द क्या है, माँ ये अयोध्या का छोटा राज्य नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ ना, इसीलिए पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा राज्य देने का निर्णय लिया है, मुझे जंगल का राजा बना दिया, इसीलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, इसीलिए दुनिया पूजती है। मैया वैदेही और लक्ष्मण भैया दोनों साथ में चल पड़े। मैं ये प्रसंग इसलिए संक्षिप्त में कर रही हूँ क्योंकि केवट जी का प्रसंग हमें सुनना है, और इधर पूरी अयोध्या राघव जी के पीछे पीछे होली है। तमसा के तट पर जब सभी थक कर सो गए, राघव जी ने सुमंत जी से कहकर रथ आगे बढ़वाया। पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां निषाद राज ने कहा, प्रभु छोटा सा ही राज्य है पर आज से आपका है, आप यहीं पर 14 साल की अवधि बिताइए। राघव जी ने कहा, नहीं निषाद राज जी, मैं किसी ग्राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए मैं नहीं जाऊँगा। शीशम के वृक्ष तले कुश की शैया बिछाई गई, प्रभु श्री सीताराम जी ने रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल के समय में वट वृक्ष का बरगद का दूध मंगाकर राम जी ने शीश पर जटाएं बांधी, और तदोपरांत सुमंत जी को बरबस विदा करके राम जी गंगा के तट पर आए, और गंगा के तट पर आज राघव जी आगे बढ़कर मांग रहे हैं। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहहि तुम्हारे मरण में जाना, कहहि तुम्हारे मरण में जाना, चरण कमल रज कहु सब कहहि, चरण कमल रज कहु सब कहहि, मानुष करनि मूरी कछुआ, मानुष करनि मूरी।
केवट नैया ले आओ। आपने कभी ऑटो रिक्शा से सवारी की है? अरे की है, ऑटो से रिक्शा से कैसे बुलाते हैं? ऑटो। अरे वो ऑटो नहीं है, वो जो चला रहा है वो ऑटो है, वो तो आदमी है। पर व्यक्ति कैसे संबोधन करता है, जैसे लगता है वो सेवक है और हम उसके ऑटो के मालिक हैं। ये हमारा लहजा है। पर राम जी, हम निवेदन नहीं करते हैं ऑटो वाले से, बैठ के कहते चलो, कहते हैं ना चलो वहां ले चलो। पर राम जी, मांगी नाव, नाव मांग रहे हैं, भैया केवट अपनी नाव ले आओगे क्या, हमें पार जाना है। आज केवट जी समझ गए, आज तक जो आया उसने मुझे नाव का मालिक नहीं समझा, सेवक समझा। आज पहली बार मुझे किसी ने इतने प्रेम से मालिक बनाया, और जो सेवक को भी मालिक बना दे वो इस मालिक के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान आए हैं, आज मौका मिला है, छोड़ूंगा नहीं। भगवान आपसे कुछ मांगेंगे तो हाँ कहेंगे आपकी, ना कहेंगे? हाँ कहेंगे ना। केवट जी से राम जी कह रहे, भैया केवट नाव लाओगे? केवट कह, नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाओगे भैया? केवट जी ने कहा, अरे सरकार, मैंने सुना है, चरण कमल रज कहू सब कही, आपके चरणों की रज में बड़ा जादू है, हमने सुना है। सरकार, अगर आपके चरण मेरी नैया पर पड़े और ये स्त्री बन के आकाश में उड़ गई, तब तो हमारा दोनों तरफ से घाटा हो जाएगा। एक तो कमाई का साधन चला जाएगा और खाने वाला मेंबर घर में बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, मैं कैसे दोनों तरफ से अपना घाटा कर सकता हूँ? मैंने सुना है आपने एक पत्थर पर चरण रखे और वह सुंदर स्त्री बनकर आकाश में उड़ गई। केवट जी कहते हैं, सरकार, बड़ी मुश्किल से तो आज आप भेटाए हो, और आज आपको हम जाने देंगे ऐसे फ्री में? आज आपसे हम वो लिए बिना जो हम चाहते हैं आपको जाने नहीं देंगे। और सरकार, आप हमारी बात क्यों नहीं मान लेते हैं? मान लीजिए ना, आप चरण धुला लीजिए, मैं पार कर दूंगा। और राघव जी केवट जी से निहोरा कर रहे हैं, अरे दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से, 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 अरे केवट से हाँ केवट से, केवट से जग
काढ़े जे गिरी मेरु शिला कनते अर होई अजा कुरे वारी धी बाढ़े तुलसी जे पद पंकज ते निकसी तरणी जो हरे अग गाढ़े सो प्रभु या सरिता तरी बे कहा मांगत नाव किनारे ठाणे। जिनके चरण से गंगा मैया निकली और वो गंगा मैया घोर से घोर पापियों को तार देती हैं, वो राघव जी उन्हीं गंगा मैया को पार करने के लिए नैया मांग रहे हैं, हमें पार कर दो। और केवट जी क्या विचार कर रहे हैं, बहुत दिनन पे मिले हो दयालु आज या ते हमें पूर्ण निज इच्छा कर लेने दो। दीने और दुखारी मैं भिखारी जन्म जन्म का हूँ इसी के बहाने कुछ भिक्षा कर लेने दो। अति मति मंद मैं गंवारे दीना नाथ रहो या ते दीने बंधु कुछ शिक्षा कर लेने दो। और काठे का कठौता और काठे की ही नैया मेरी उड़ेगी कि नहीं ये परीक्षा कर लेने दो। केवट जी तो चाह रहे हैं जो चरणों की बात कही थी श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज जी ने, बस वो चरण पकड़ने हैं। केवट जी ने राम जी से कहा बताइए पार चलना है। राम जी ने कहा अरे वो एक बार की बात थी। लक्ष्मण जी ने कहा अरे रोज रोज ये सब नहीं होता है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। बोला हमों को पता, हम इतने बड़े मूर्ख नहीं है कि रोज रोज होता है, हमें भी मालूम है कभी कभी हुआ था। पर कब हुआ था, जब आपके भैया ने इशारा करके पूछा, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, ऐसे हाथ का इशारा करके पूछा था वो शिला कौन सी है। और जिसकी ओर इन्होंने टारगेट सेट किया वही स्त्री बनी थी। आज इन्होंने हमारी नैया की ओर इशारा करके कहा है नैया लाओ, मतलब आज यहाँ पे भी मामला गड़बड़ हो सकता।
हमको तो लग रहा है इन्होंने एक बार किसी ऋषि से वादा किया तो पत्थर को स्त्री बना के दे दिया, और हमको लगता है किसी बाबा जी को ये फिर वादा करके आए हैं कि आप चिंता मत करना, हम आपके लिए सुंदर एक स्त्री भेज रहे, इसीलिए अब हमारी नैया पे इनकी नजर है। अरे भूल जाओ मर जाऊंगा, नैया नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो आप। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सब नहीं होता है। अरे वो तो पत्थर की बात थी। बोला हम भी जानते हैं आपके भैया के चरणों की गलती नहीं है। राव रो दोष ना पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठे को, कोमल है जल खाई रहा। अरे सरकार आप बताओ, लक्ष्मण जी ने कहा पत्थर स्त्री बनी थी ना तुम्हारी नैया, क्या पत्थर की है? बोला बड़ी गजब बात करते हो सरकार आप, एक बात बताओ पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप बताओ पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर ना। केवट जी ने कहा उसको तो छुआ था तब बनी थी, तो देखने भर से बन जाएगी। दूर चलिए दूर चलिए दूर चलिए, पीछे रहिए हमारी नैया से, आइएगा नहीं, पार नहीं करूंगा। जब तक पैरों का जादू धोकर कस के निकाल ना लूं तब तक आपको नैया में नहीं बिठाऊंगा। अब केवट जी की बात सुनकर राम जी तो मौन है। बोला जो प्रभु पार अवश्य गाचहू, देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको पक्की बात है जाना है पार। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं जाना होता कर तो कहा तुमसे टाइम पास करते हम इतना देर बैठते हैं, जाना है तभी ना खड़े तुम्हारी बातें सुन रहे। बोला अच्छा अगर जाना है तो मुही पद पदुम पखारन कहो। केवट जी ये भी नहीं कह रहे कि मैं धो लूं, आप आज्ञा दे दो। ना 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 ना, आज्ञा वाज्ञा की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। अरे अपने मुख से कहो कि ले धो तब धोऊंगा, नहीं तो धोऊंगा भी नहीं। राम जी मन ही मन कह रहे अरे कितने लोगों ने धो लिया, आप बिना पूछे धो धा के काम फिट करो। केवट जी ने कहा जिन्होंने पहले धोया उनकी गरज रही होगी, हमारी कोनो गरज नहीं है, आपकी गरज है आपको पार जाना है, अब आप बताओ कहो। और राम जी मौन। बोला देखो वैसे दो तरीका है पार जाने का, या तो यहाँ से हमारी नैया से जाओ, और या तो फिर एक काम करो। हाँ एक दूसरा रास्ता याद आ गया, याद आ गया, थोड़ी दूर पे एक रास्ता है, गंगा मैया का जल जहाँ बहुत कम है तो पैदल पार कर जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरा वाला बढ़िया है, ले चलो। बोला हम का मूर्ख हैं, सुबह सुबह के पैसेंजर को शॉर्टकट दिखा दे फिर कौन सा पैसेंजर हमारी नाव में पैसा दे के आएगा बताओ, सब शॉर्टकट नहीं चले जाएंगे ऐसे नहीं रात में। देखो सरकार पार चले जाओगे तो भी हमारा फायदा है, नहीं जाओगे तो भी हमारा फायदा ही फायदा है। लक्ष्मण जी ने कहा पार जाएंगे तब तो कौन सा फायदा? बोला चरणामृत। बोला नहीं जाएंगे तो कौन फायदा? बोला पार ही नहीं जाओगे तो मतलब यहीं रहोगे, ना अयोध्या जाओगे ना आगे जाओगे, तो यहीं रहोगे तो दर्शन का सुख ये फायदा। बोला कि अच्छा। केवट जी ने कहा देखो सरकार आप पार तो कर लो, कुछ बोलो तो सही कि हाँ जाना है नहीं जाना, चुप ठाड़े रहेंगे तो हमको का सपना आ रहा है। सरकार हम दोनों की जोड़ी ना बड़ी किस्मत से मिली है। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा ले ये तो आपके साथ अपनी जोड़ी बनाने लगा। राम जी ने कहा कैसे जोड़ी? बोला अरे बिल्कुल जोड़ी है सरकार, अरे कछु हम कारे कछु तुम कारे, आज खूब मिले कारे कारे, आज खूब मिले
किस्मत से मिली है, एक ही जैसे तो हैं। कछु हमने उतारे कछु तुमने तारे, कछु हमने उतारे कछु तुमने तारे, कछु हमने उतारे कछु तुमने तारे, कछु हमने उतारे कछु तुमने तारे। आज खूब मिले तारे तारे, आज खूब मिले तारे तारे, आज खूब मिले तारे तारे, आज खूब मिले तारे तारे। तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, आपने उतने तारे हैं जितने आकाश में तारे हैं। तारों की गिनती है क्या? तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, आज हम भी तारे तारे तारे, आज हम भी तारे तारे तारे। कछु हम तारे कछु तुम तारे, कछु हम तारे कछु तुम तारे, आज खूब मिले तारे। केवट जी ने कहा, देखो सरकार, अच्छा हम समझ गए, कोई समस्या है आपको तो कुछ इशारा कर दो, हमें इशारा भी समझ में आ जाता है। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, हम हैं अनपढ़ी कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। लक्ष्मण जी से कहा, चलो जो हुई हुई छोड़ दो प्रभु, हम तो अनपढ़ गवार आदमी, गलती हो गई होगी कुछ बोलने में, पर सरकार आप मालिक हो, माफी दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा, 3 घंटा से बकवास कर रहे हो, माफी मांग रहे, नहीं करेंगे माफी भैया, हम दूसरी नैया लेके आते हैं। केवट जी ने मुस्कुरा के कहा, छोटे सरकार, गैर मल्लाह आई गहर एक को अनाउंसमेंट करके बुला ले, एक मल्लाह मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना। गैर मल्लाह आएगा हर गिज नहीं, नाम लेकर किसी का बुलाए, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला, बता दो ना क्या करना है। और राम जी जब चुप रहे तो केवट भैया राम जी के चारों ओर एक बार घूमे और कहे, समझ गया समझ गया समझ गया। लक्ष्मण जी ने कहा, ये गोल गोल घूम के तुम का समझ गए? बोला, हम समझ गए आपके भैया हमारी तरह ठन ठन गोपाल, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि केवट पार करेगा तो उतराई मांगेगा, हम तो कुछ लेके नहीं आए हैं तो उतराई में क्या देंगे। अरे सरकार, इतनी छोटी सी बात, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ना नाथ उतराई, उतराई नहीं लूंगा, चिंता मत करिए। और राम जी जब तब भी कुछ नहीं बोले तो केवट जी ने कहा, लगता है इनको हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा, और जब आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता तो क्या करते हैं, कसम खा के कह रहे हैं। कहते हैं ना, केवट जी ने भी सौगंध ली, किसकी ली, मोही राम राउर आनी दशरथ शपथ सब सांची को, आपके बाबूजी की कसम खा के कह रहे हैं, आपको पैसा नहीं लेंगे, आपको अपनी बात साबित करनी है तो अपने बाबूजी की खाएंगे कि दूसरे के बाबूजी की कसम खाएंगे। केवट जी अपने बाबूजी की नहीं, राम जी के बाबूजी की, आपके पिताजी की सौगंध प्रभु नहीं लूंगा उतराई। लक्ष्मण जी ने कहा, केवटवा की इतनी मजाल, हमारे पिताजी की सौगंध ले रहा है। जैसे बाढ़ की ओर हाथ बढ़ाया, केवट जी कहते हैं, बरु तीर मारहु लखन पै जब लगी ना पाय पखारी, हाँ तब लगी ना तुलसीदास नाथ कृपालु पारे। मार दे छोटके वाले भैया, हम तो करे जल्दी मारे, भगत केवट जी के जैसा हो जाए तो क्या पूछना है। एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शहंशाह की,
एक तरफ साफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। प्रेम के झगड़े में चलती हैं ये कोशिशें नाह की, दीन वत्सल की दया हो जिद रहे मल्लाह की। अब देखते हैं जीत किसकी और किसकी हार हो, इन दोनों मल्लाहों में पहले किसकी नैया पार हो। केवट जी ने कहा कि अगर आपको मारना है तो मार दीजिए, हमारा तो और फायदा हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मरने में भी तुम्हारा फायदा, बोला और का, मर जाएंगे तो हमारे राम जी हमारी अंत्येष्टि किए बिना थोड़ी ना जाएंगे, तो 13 दिन तो रुकवे करेंगे, उसमें भी फायदा। मरूंगा हाथ से किसके की जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जिस जगह गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूँ, अगर इन पद कमल पर प्राण को खो जाएगा केवट तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। केवट जी ने कहा तो ऐसा मौका मैं क्यों श्रीमान जाने दूं, क्यों ना जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दूं, इतना बढ़िया गोल्डन चांस मैं छोड़ूंगा कतई नहीं, मारिए मारिए, हम तो कह रहे काहे देरी कर रहे, मारिए ना। अब लक्ष्मण जी से बार बार कह रहे मारिए, लक्ष्मण जी कैसे बाण चलाए। केवट जी कहते देखो सरकार, हमने अपने दादा बाबा से सुना है कि मरने वाले के मुँह में 2 बूंद गंगा जल डाल दे तो उतर जाता है, और यहाँ तो आप हमको मारेंगे तो हम पट्ट से मरेंगे, थोड़ी ना बाढ़ लगेगा और छलांग मारेंगे गंगा जी में, 2 बूंद नहीं 4 लीटर पियेंगे, जब तक मरी नहीं जाते तब तक पीते रहेंगे, और जब मर जाएंगे तो ओकरे बाद राम जी हमारी अंत्येष्टि करेंगे। और सोचो कौन मुझे मार रहा है जरा ये भी तो देखो, मैं इनको प्यार करता हूँ, ये आपको प्यार करते हैं, और जो मेरे प्यारे का प्यारा है उसके हाथों से मरूंगा, इससे खुशनसीबी मेरी और क्या होगी। मारो ना सरकार, जल्दी बाण चलाओ, मुझे देर नहीं चाहिए। सरकार मरने वाले के मुंह में राम आ जाए तो भाव पार हो जाता है, मेरी आंखों के आगे साक्षात राम खड़े हैं, मारिए। केवट जी के इस भाव को देखा राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा ये कौन है, बोला भगत, बोला ईसा भगत जो एक को बात ना माने, एक को बात ना माने। राम जी ने कहा और कौन नहीं मान रहा, बोला देखो सुमंत जी पीछे, इनको कह रहे हैं नैया ले आओ, ये ला नहीं रहे, उनसे कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ, जा नहीं रहे, वो रथ पे बैठे हैं या नाव पे बैठे हैं, ये भगत हैं और प्रेम दिख तो नहीं रहा है। राम जी ने कहा क्योंकि इसके जीवन में प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है, इसलिए। केवट जी से कहा, राम जी ने केवट जी का जब वचन सुना, केवट जी कह रहे सरकार बताओ ना क्या करूं, राम जी ने कहा सोई करो जही तव नाव ना जाए, जिसमें आपकी नैया ना जाए वही काम करो। बोला हमार नाव तो 2 तरीके से ना जाए, या तो आप चरण धुलाई या तो आपका लौटाई, अब का करे, 2 में से 1 बताओ, आपको लौटा दे कि चरण धोए। केवट जी साफ सुनना चाहते हैं कि अपने मुख से कह दो ना कि ले केवट चरण पखार ले, और भक्त के लिए भगवान क्या न करे। राम जी ने मुख से स्वयं कहा बेज्ञान जल पाय पखार ले, भैया पखार ले चरण। और हमारे केवट जी बड़े विचित्र भगत हैं, अभी तक खड़े खड़े बतिया रहे, अब बैठ के बतियाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा बैठ गए गए, बोल दिया ना भैया ने, जाओ तुरंत निकलो, जाओ चरण धोने के लिए जाओ, तुरंत लाओ जल लाओ, पैर धो और लेके चलो। लक्ष्मण जी से केवट जी ने कहा सरकार बात बदलिए मत, ना 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 ना, बात नहीं बदलनी चाहिए, आपके भैया से पूछिए उन्होंने क्या कहा है। राम जी से पूछा क्या कहा, बोला हमने यही कहा कि पखार ले। बोला बस इसीलिए बैठा हूँ, धोने को कह देते तो अब तक धो चुका रहता, पानी डालो धो के साफ, आपके भैया ने कहा है पखार लो, और हमने अपने बाबा दादा को देखा है पखारने का काम अपनी पत्नी के साथ गांठ जोड़ के तब किया जाता है, और हमारी घरवाली घरवा में बैठी है तो जाएं लेके आ जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा ताकि तुम और 3 घंटा लेट लगा, चुपचाप बैठे रहना, हिल गए तो ठीक नहीं होगा, यहाँ बैठे रहो। केवट जी ने प्रारंभ में कितना सुंदर कहा, पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, सब परिवार मेरो यही लागी राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद होई के बात ना बढ़ाई हो, तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, बिन पग धोए नाथ नावना चढ़ाई।
केवट जी चाह रहे चरण धोने का, मौका भी मिल गया पर बैठे हैं। क्यों केवट जी? ये नहीं चाहते कि ये चरण सुख मैं अकेला पाऊं। मुझसे जो जुड़ा है या जो जुड़ चुका था उन सबको मैं इस चरणामृत से तार कर रहूंगा। इसीलिए केवट जी बैठे, आज्ञा दे दो प्रभु, जाऊं अपनी पत्नी को ले आऊं। लक्ष्मण जी ने कहा चुपचाप बैठो या धोगे, तुम धोगे नहीं तो अब कोई नहीं आएगा। और केवट जी हाथ जोड़े बोल दो ना सरकार चले जाए, एक बार कह दो तो जल्दी आ जाएंगे। अब राम जी से लक्ष्मण, भैया इसको जाने मत देना, इतनी देर से परेशान किया। अब केवट जी हाथ जोड़े बैठे, अब राम जी का करे, बीच में भगत एक तरफ भाई और बीच में राम जी। केवट जी कह जाए, अब राम जी मुंह से तो नहीं कहे पर राम जी को मौका मिला। राम जी इधर उधर देखते हुए लक्ष्मण जी की नजर बचाई, इशारा किया, और जैसे इशारा किया गोस्वामी जी ने कलम उठाई और कवितावली में लिख दिया, अरे प्रभु रूखे पाई के बुलाई बालक घरी में हो, प्रभु केवट जी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाग गया, बिना बोले भाग गया, बिना पूछे भाग गया। राम जी ने कहा वो तो भाग गया, अब हम कहां भागेंगे, हमें तो नैया का ही भरोसा है, खड़े रहो। केवट जी घर पहुंचे चिल्लाते हुए, अरे भागो रे भागो, भगवान आया है। अपने छोट छोट लड़का बच्चों को आवाज लगाई, सब जाओ जल्दी चलो, भगवान घाट पे खड़े हैं। बच्चे भाग के जाने लगे। केवट जी ने कहा दुई ठो हैं गोरख के पास जाओगे तो लौट के नहीं आओगे, पट्टे से मारेगा। सामने वाले के पास जाना और घेर करके प्रणाम करके बैठ जाना। पत्नी से कहा तुम भी साथ चलो। पत्नी ने कहा पात्र क्या लूं? बोला तुम मत लो, हम विचार करते हैं। काठी का कठौता और काठी की ही नैया मेरी, ये उड़ेगी कि नहीं ये परीक्षा कर लेने दो। केवट जी ने दुई ठो उठाया, एक तो कठौती उठाई, एक हाथ में कठौता उठाए। सोच रहे कठौती ले जाए बिटिया बन जाए तो वैसे हम भिखारी आदमी कैसे बिटिया का ब्याह करेंगे, कठौता ले जाता हूँ, ये बेटवा बन जाएगा तो बढ़िया नाव चलाने के काम आएगा। कठौता लेके केवट जी आगे बढ़े, गंगा जी का जल भरा और गंगा जल से जैसे चरणामृत उतारा, एक बार में पूरा कठौता उठाया और पी गए, पूरा पी गए। केवट जी एक एक चरण धोने में आधा आधा घंटा लगा रहे हैं। क्यों? केवट जी जानते हैं मैं जब तक इनको रोक सकता हूँ बस इस पार रोक सकता हूँ, उस पार जाने के बाद मेरी चलने वाली। दशरथ जी रोते रह गए नहीं रुके, प्रजावासी रोते रह गए नहीं रुके, निषाद राज जी रोकते रह गए नहीं रुके, तो हम कौन खेत की मूली, यहीं पे जो करना है हम कर सकते हैं। अब केवट जी एक एक रेखाओं को देख कर धोए चरण। अब एक पांव पे भगवान खड़े हैं, सोचो हम भगवान के लिए एक पांव पे खड़े होते हैं, भगवान केवट जी के लिए एक पांव पे खड़े हैं। और केवट जी से कह रहे अब हम थक रहे हैं, डगमगा रहे हैं। केवट जी ने कहा हिलो मत, हमारा सिर पकड़ लो, अच्छे से हाथ रख के तो आपको सहारा मिल जाएगा। रेखन में जड़े कड़े याते देखे देखे धोऊं, आप एक पग पे खड़े याते ना खीजिए, चाहो अवलंब तो बिनीत जो विलंब बिन नाथ, मेरे माथे पर हाथ धरे। राम जी ने अपना हाथ केवट जी के सिर पर रखा है, केवट जी के हाथ में राम जी के चरण हैं। इतने आनंद में अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद से चरण धो रहे हैं, चरणामृत पी लिया। राम जी ने कहा हो गया भैया अब चले। बोला नहीं नहीं सरकार, हमारे लड़का बच्चा को तो मिलवे नहीं किया चरणामृत, एक बार और धुला लो। दोबारा धोया,
सारे अपने परिवार के जनों को चरणामृत दिया। लक्ष्मण जी का क्रोध एक एक लेवल पे बढ़ रहा है। कहा अब तो हो गया ना, घर खानदान निपट गया ना, और बताओ, चलो चलो अब ले चलो। केवट जी ने कहा और गांव वालों को भी चाहिए, एक बार और धोऊंगा। फिर धोया, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेर के, गोस्वामी जी के अनगिनत बा, फिर पिया और फिर गांव वालों को सबको चरणामृत दिया। अब उसके बाद केवट जी तो एक बार चाह रहे थे राम जी से बात करना। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुम नहीं बिठाए तो तब नहीं मारे थे, अब बचाएंगे नहीं, अब ले चलो। केवट जी ने राम जी से कहा प्रभु एक बात कहनी थी आपसे। राम जी ने कहा क्या हुआ, तीन बार धो चुके हो, अब तो पार ले चलो। केवट जी ने राम जी से धीरे से कहा अपने छोटके भाई साहब को मत बताइएगा। बोला क्या, बोला एक बार और धोऊंगा। किसके लिए, बोला सरकार कुछ लोग पहले से पार होने को खड़े हैं, उनको पार करना जरूरी है ना। राम जी ने कहा हमें तो नहीं दिख रहा कौन है। बोला आपने देख लिया होता तो पार ना लग गए होते, नहीं देखा इसीलिए अटके हैं। हमारे दादा बाबा देखो सब निहार रहे कि हमहू को पार करो। प्रभु से ही तर्पण का मंत्र पढ़वाया, तर्पण दिया, पितरों को पार किया और तदोपरांत बिठाया नैया में। गंगा मैया में इतना आनंद है, हिलोरे उठने लगी। केवट जी ने कहा मैया इस तरह बहोगी तो ये तो दुइये मिनट में पार लग जाएंगे, और मैं नहीं चाहता ये इतनी जल्दी पार जाएं, आराम आराम से बहो। और केवट जी जानबूझकर अपनी नैया को भंवर के बीच में डाल देते हैं। अब भंवरे का काम क्या है, जो जल में भंवर रहता है घुमा देता है, और जहाँ से घुमाए फिर नैया किनारे। तीन चार चक्कर लगा, राम जी ने कहा हमको देखो चक्कर आ रहा है, केवट भैया तुम गोल गोल नैया घुमा रहे हो। केवट जी ने कहा बहुत सुंदर, हमको 84 लाख में घुमाते हो तब हमें चक्कर नहीं आते क्या, हमने कभी आपसे शिकायत करी, या हमने शिकायत करी तो क्या आपने घुमाना बंद किया, तब भी घुमाते हो ना, और आपको 4 चक्कर में चक्कर आ गए। अब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया ये मल्लाह से कभी पंगा बीच नैया में नहीं लेना चाहिए, कब पतवार छोड़ के कूद जाए का पता, चुप रहो ये जब ले जाए तभी चलेंगे। पार उतारा, अब केवट जी ने दंडवत किया। लक्ष्मण जी ने कहा वाह, तब अकड़ दिखा रहे थे अब प्रणाम कर रहे हो। बोला सरकार वो भी प्रेम था, ये भी प्रेम है, पर उस प्रेम में स्वार्थ था, अब ये जो प्रेम है ये मन का मेरे भाव है। राघव जी संकोच में है, कुछ दिया नहीं, मैया ने मुद्रिका उतार कर देनी चाहिए, पर केवट जी कहते हैं नाथ आज मैं कह ना पावा, जो आप लौटते समय दोगे मैं हर्षित होकर लूंगा। और सरकार मैं रहता गंगा तट पर हूँ, तुम रहते जल निधि तट पर हो, मैं गंगा तट का केवट हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, अगर खुद को ऋणी समझते हो तो ऋण भी वहीं चुका देना, गंगा से पार किया मैंने मुझे भव से पार लगा देना। आज आप मेरे पास आए, मैंने आपको पार किया, मैं आऊँ तो आप मुझे पार लगाना। और केवट जी के साथ ही आज सरकार को रहने देते हैं, कल इसके आगे के प्रसंगों पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर पधारे हुए समस्त अपने अतिथियों का, श्रोताओं राम राघव की प्राण प्रिया भजुरे मन सिया सिया।
रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदा मैया की, श्री गंगा मैया की, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरो आरती सिया रघुवर की उतारो, उतारो आरती सिया रघुवर की, कौशल्यानंदन हो, कौशल्यानंदन जानकी वर की उतारो भवन सिय संग विराजे, कनक भवन सिय संग विराजे, कनक भवन सिय संग विराजे, कनक भवन सिय संग विराजे, मणिमाला दशरथ पितु कौशल्या माता, दशरथ पितु कौशल्या माता, भरत लखन शत्रुघ्न सुभ्राता, भरत लखन शत्रुघ्न सुभ्राता, की।
आरती गावे रघुपति चरण शरण सुख पावे रघुपति Yeah.